हेलो एवरीवन सो वी आर डिस्कसिंग द एग्जांपल्स ऑफ द चैप्टर द डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स एंड टुडे वी विल डिस्कस एग्जांपल नंबर टू सो द क्वेश्चन इज वाई डू द ट्रांजिशन एलिमेंट्स एग्जिबिट हायर इंथेल्पीज ऑफ एटमाइजेशन आपसे पूछा गया है कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स की जो इंथेल्पी ऑफ एटमाइजेशन है वो हाई क्यू होती है राइट right? लेकिन

और सारे के सारे बॉन्ड्स को कंप्लीटली आपको ब्रेक करना है और उसको लेके जाना है गैसियस फेज में तो वहां पर जितनी एंथैल्पी चेंज होगी जो रिक्वायरमेंट होगा एनर्जी का उसको हम क्या बोलते हैं बेटा एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन डिनोट कैसे करते हैं इसको डेल्टा एच ए दिस इज एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ठीक है तो क्या हम यहां से ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जितना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ सब्सटेंस उतना ही ज्यादा होगा एंथल्पी ऑफ एटमाइजेशन ऐसा क्यों क्योंकि जितने स्ट्रॉन्गर बॉन्ड्स होंगे उतनी ही ज्यादा एनर्जी आपको देनी पड़ेगी टू ब्रेक दोज बॉन्ड्स ठीक है बेटा इंथाल्पी ऑफ एटमाइजेशन क्लियर अब बताना है कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स की इंथाल्पी ऑफ एटमाइजेशन हाई क्यों होती है ऐसा इसलिए क्योंकि जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं उनके पास होते हैं नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स उनके पास बहुत सारे अनपेड इलेक्ट्रॉन्स वहां पर प्रेजेंट हैं और ड्यू तो टू दीज हैं बेटा वो बनाते हैं मेटल मेटल बॉन्ड्स या फिर हम कह सकते हैं कि उनमें होती है मेटालिक बॉन्डिंग एंड मेटालिक बॉन्ड्स जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स होते हैं राइट तो जितने ज्यादा बॉन्ड्स वहां पर प्रेजेंट होंगे उतनी ही ज्यादा आपको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी और इसीलिए यहां पर इनकी जो एंथरपी ऑफ एटमाइजेशन होती है वो ज्यादा होती है ठीक है बेटा एनसीआरटी वाला सोल्यूशन देखें इस एग्जाम्पल का देखो बिकॉज ऑफ लार्ज नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स इन देयर एटम्स दे हैव स्ट्रांगर इंटर एटॉमिक इंटरक्शन एंड हिंस स्ट्रांगर बॉन्डिंग बिटवीन एटम्स रिजल्टिंग इन हायर एंथल ऑफ एटमाइजेशन ठीक है सिंपल क्वेश्चन था मिलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल में तब तक के लिए बाय बाय